तो वेलकम बैक गाइस, एंड आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। गाइस, इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। ये है 10th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है जो हमें ग्राफ दे रखे हैं, यहाँ इतने सारे ग्राफ दे रखे हैं, ये हमारे है वाई इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ है। ठीक है, और जो पी एक्स है ये हमारा बेसिकली पॉलिनोमियल है। ठीक है, और हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस, यानी कि जितने भी ग्राफ दे रखे हैं हर केसेस में हमें बताना है कि कितने जीरोज होंगे। जीरोज यानी कि एक्स की कितनी वैल्यू निकलेगी। और गाइस, जैसे कि हमें पता है एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे पॉलीनोमियल से, जितनी भी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे यहाँ है 2x² + 2 + x, तो यहाँ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे कि 2 मैक्सिमम वैल्यू है तो जीरोज 2 होंगे। तो इक्वेशन से बताना तो आसान है, क्या ग्राफ से भी बताना आसान होगा? नहीं होगा। तो गाइस, एक ट्रिक है या फिर एक मेथड है जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेकंड ग्राफ की। फर्स्ट ग्राफ थोड़ा अजीब सा है, सेकंड ग्राफ की बात करते हैं क्योंकि फर्स्ट ग्राफ से आपको क्लियर नहीं होगा डाउट। जो सेकेंड ग्राफ है, अगर इसको आप नोटिस करोगे तो जो ये हमारा कर्व है, तो ये जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, यानी कि इसको क्रॉस करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा, वही होगा उतनी नंबर ऑफ जीरोज हमारे इस ग्राफ में होंगे। जैसे कि यहाँ कितनी बार टच करा, 1 बार, यानी कि ये हो जाएगा हमारा यानी कि नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे 1। अब अगर तीसरे ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ हमारा जो ये ग्राफ कर्व है, ये कितनी बार टच कर रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड, और ये वाई एक्सिस है तो इसे काउंटिंग करेंगे, एंड ये थर्ड, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे हमारे यहाँ 3। अब आते हैं फर्स्ट वाले ग्राफ पे। सो गाइस, फर्स्ट वाले ग्राफ को देखोगे तो वाई एक्सिस हमारा ये है, और ये जो कर्व जो पी एक्स की एक लाइन है, ये आ रही है हमारी यहाँ, यानी कि ये पैरेलल है एक दूसरे के, कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0। समझ में आया? अब आते हैं हमारे फोर्थ ग्राफ पे। तो गाइस, फोर्थ ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ 2 times टच कर रहा है, यानी कि 2 times इंटरसेक्ट कर रहा है एट वाई एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2। तो आपको बस देखना है कि एक्स एक्सिस पे जो इक्वेशन का कर्व है या फिर लाइन है वो कितनी बार टच कर रही है। ठीक है, अब आती है हमारे फिफ्थ ग्राफ पे। तो फिफ्थ ग्राफ में कितनी बार टच कर रहा है, 1, 2, 3 and 4, तो यानी कि 4 times है, यानी कि n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। अब आते हैं हमारे सिक्स्थ ग्राफ पे गाइस, एंड सिक्स्थ ग्राफ में दे रखा है हमारा ये दे रखा है, तो इसमें कितनी बार टच कर रहा है, फर्स्ट, 1 time, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, यानी कि n इक्वल टू आ गया 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज आ गए यहाँ 3। सो नंबर ऑफ जीरोज बेसिकली x की वैल्यू कितनी आती है, अगर 3 है तो x की वैल्यू जैसे कि 4, -5, -2, तो यानी कि x की वैल्यू 3 आएगी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सो गाइस, इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाती है। बहुत शॉर्ट एंड बहुत इजी एक्सरसाइज थी, और जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन, एंड लेट्स सी कि ये वीडियो आपको पसंद आती नहीं आती है। एंड आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क एज अ होमवर्क, एंड यू कैन ट्राई दिस आउट, एंड यू कैन रेफर द आर डी शर्मा फॉर मोर क्वेश्चन लाइक दिस, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस करोगे जो आपका डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मोर क्लियर होगा। एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।